दोस्तों, हम सब ये जान चुके हैं कि कोविड के 80-90% मरीज घर पे खुद से ही ठीक हो जाते हैं। फिर भी आपने माइल्ड कोविड पेशेंट्स को, मतलब जिनको मामूली लक्षण है और जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन भी ठीक है, उनको आइवरमेक्टिन, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, फेविपिराविर और कभी कभी स्टीरॉइड्स जैसी 8-10 दवाइयाँ मिलते देखा ही होगा। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर ये सब सच में काम करती है तो क्यों बाकी सारी दुनिया इन दवाइयों को इस्तेमाल नहीं करती? उससे भी बड़ा प्रश्न कि अगर इन दवाइयों का सही में कुछ फायदा है तो सेकेंड वेव में इतने लोगों की जान गई ही क्यों? बाकी दुनिया में माइल्ड कोविड के इलाज में 100 रुपये से भी कम लगते हैं और हमारे यहाँ कोविड का रिपोर्ट आते ही जैसे जेब से कम 5-10 हज़ार रुपये तो निकलने ही हैं। हर कुछ दिनों में एक नए इलाज का दावा होता है और इस चक्कर में सबसे ज़्यादा फंसती है सामान्य जनता। ये आधी अधूरी जानकारी के नुकसान से बचने के हेतु ये वीडियो आपको माइल्ड कोविड में दिए जा रहे दवाइयों की सही इन्फॉर्मेशन देगा। सबसे पहले ये याद रखिए कि कोरोना एक वायरस है और वायरस पर बैक्टीरिया या वर्म्स या कीड़ों की दवा काम नहीं करती। ये बात सुनने में तो बहुत ही सरल और बेसिक साउंड करती है ना? फिर भी ये दवाइयों का प्रचलन इतना ज्यादा कॉमन हो गया है कि काफी डॉक्टर्स ही ये बात भूल चुके हैं कि एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एमोक्सिसिलिन और बाकी अन्य एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया पर काम करती है, ना कि कोई वायरस पे। कोविड में कितना भी बुखार हो, इन एंटीबायोटिक्स का वायरस पे इफेक्ट 0% है और ये बड़े साइंटिफिक ट्रायल से भी बहुत साफ हो गया है। उल्टा इनके इस्तेमाल से एक नई महामारी धीरे धीरे तैयार हो रही है, महामारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की, जहां भविष्य में जब हमको सही में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में इन एंटीबायोटिक्स की जरूरत होगी तब ये काम नहीं आएंगे। तो याद रखें, ये आपके हित में है कि एंटीबायोटिक्स की ना तो मांग करें और अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन में दिख भी जाए तो इसका कारण जरूर पूछें। आइवरमेक्टिन की बात करते हैं। क्लिनिकल स्टडीज में आइवरमेक्टिन का शरीर के वायरस पर कोई एक्शन नहीं पाया गया, फायदा 1% का भी नहीं था। ऐसे क्यों? आपको जानकर अचरज होगा कि ये तो वर्म्स यानी कीड़ों की दवा है। जी हाँ, कीड़ों की। WHO और यहाँ तक कि आइवरमेक्टिन बनाने वाली कंपनी मर्क तक ने यह कह दिया है कि आइवरमेक्टिन की कोविड के बचाव या इलाज में कोई भूमिका नहीं है। आइवरमेक्टिन आपके पेट के वर्म्स को जरूर हटा देगा पर आपको कोविड से ना तो बचा पाएगा ना कुछ ट्रीटमेंट में फायदा करेगा। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से भी पिछले साल ऐसी ही बड़ी आशाएं थी पर ये दवा भी सारे इंटरनेशनल गाइडलाइन से हटा दी गई है क्योंकि इसका भी कोरोना के इलाज में कोई फायदा नहीं पाया गया। फेविपिराविर की बात करें तो जी हाँ, ये कुछ वायरसेस पे काम करता है पर कोरोना वायरस पर नहीं, कुछ अन्य फ्लू वायरस पर। कोविड के लिए ये 1500 रुपए और दिन के 9-18 टैबलेट वाला फेविपिराविर का कोर्स सिर्फ भारत में अप्रूव्ड है। इस दवा को बनाने वाले जापान ने भी इसे कोविड के लिए अप्रूव नहीं किया है, इसीलिए फेविपिराविर का जिक्र ना कोई इंटरनेशनल गाइडलाइंस में है ना ही अपने ICMR और एम्स के गाइडलाइंस में। अब सबसे अहम बात करते हैं स्टेरॉइड्स की। स्टेरॉइड सीरियस कोविड इन्फेक्शन में जान बचाने की क्षमता रखता है जब ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता है, पर स्टेरॉइड्स को हर माइल्ड कोविड पेशेंट में और खासकर पहले हफ्ते में बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ये मरीजों में फायदा तो दूर, उल्टा हानिकारक हो सकता है। स्टेरॉइड्स देने से बुखार तो कम हो जाता है, इसीलिए शुरू में पेशेंट्स को बड़ा अच्छा लगने लगता है, पर दरअसल स्टेरॉइड शरीर के रोग प्रतिकारक शक्ति या इम्यूनिटी को कमजोर करता है। बीमारी के पहले हफ्ते में इम्यूनिटी कम होने से कोविड के कॉम्प्लिकेशंस का चांस तो बढ़ता ही है पर साथ ही साथ दूसरे जानलेवा इन्फेक्शंस जैसे कि ब्लैक फंगस और अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर का रिस्क भी। और यही पाया गया कोविड के सबसे बड़े रिकवरी ट्रायल में, जहां माइल्ड कोविड पेशेंट में स्टेरॉइड मिलने वाले मरीजों में 28% ज्यादा मृत्यु पाई गई। जी हाँ, 28% ज्यादा मृत्यु। डॉक्टर्स और पेशेंट्स का इस बात पर पूरा ध्यान रहे कि स्टेरॉइड्स एक ऐसी दवा है जिसे गलत समय, गलत पेशेंट या गलत डोज में देने से फायदा कम, नुकसान कई ज्यादा हो सकता है। तो फिर आप पूछेंगे कि सब कुछ तो हटा दिया, कोविड के इलाज में अब क्या दे? ये समझिए कि ठीक फ्लू जैसे कोविड में भी सिर्फ लक्षणों का इलाज होता है।
मतलब बुखार के लिए पैरासिटामोल, खांसी के लिए कफ सिरप या इनहेलर्स इत्यादि, और साथ में पौष्टिक खाना और पर्याप्त पानी। वायरल बीमारियों से शरीर की इम्यूनिटी ही लड़ती है, ना कि कोई दवा। याद रखिए, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते रहना और 6 मिनट वॉक टेस्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि हम जल्दी कॉम्प्लिकेशंस पकड़ लें। इसके बारे में हमारे पिछले वीडियो में समझाया गया है। कोविड के कॉम्प्लिकेशंस अगर होने हैं तो ज्यादातर दूसरे हफ्ते में होते हैं। तो अगर आपके लक्षण दूसरे हफ्ते तक भी रहे तो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी दवाइयों की जरूरत हो जिनका निर्णय सिर्फ आपके डॉक्टर ही कर सकते हैं। कृपया खुद का इलाज किसी और के प्रिस्क्रिप्शन को देखकर या व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के आधार पर खुद ना करें, ये आपकी जान को धोखे में डाल सकता है। आपने हाल ही की खबर सुनी होगी कि मध्य प्रदेश में नकली रेमडेसिविर ब्लैक में बेची गई। इस नकली रेमडेसिविर को लेने वाले 90% मरीज भी ठीक हो गए। साफ है कि वे नकली दवा से नहीं, खुद की रोग प्रतिकारक शक्ति से ठीक हुए। पर अगर उन्हें असली रेमडेसिविर मिली होती तो सबका यही दावा होता कि रेमडेसिविर ने 90% लोगों को ठीक किया। बस ऐसे ही अवैज्ञानिक दावों के कारण हमारे देश में मरीजों को 8 से 10 गोलियां और 8 से 10 टेस्ट लिखे जाते हैं। कुछ ना करते और कुछ ना देते तो भी ये मरीज ठीक होने ही वाले थे। दुर्भाग्य से साइंस से ज्यादा डॉक्टर को कुछ तो करना ही चाहिए, कोई तो गोली लिखनी ही चाहिए जैसे भाव का बोलबाला है। और इस चक्कर में लोगों के कोविड रिपोर्ट का, उनके ब्लड टेस्ट का, उनके सीटी स्कैन का इलाज होता है, ना कि खुद मरीजों का। दोस्तों, कोविड में हमने बहुत बहुत लोग गवाए हैं, और ये सेकेंड वेव में तो ये भी साफ हो गया है कि हमने काफी लोग अज्ञानता से गवाए हैं। आगे ऐसा ना हो और थर्ड वेव ना आए, इसके लिए कोविड से बचाव और कोविड का इलाज अंधविश्वास और सिर्फ भावनाओं से नहीं, विज्ञान और तथ्यों से होना बहुत जरूरी है। आप प्लीज ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सही इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे। क्योंकि हमें फॉरवर्ड्स और अफवाहों पर नहीं, साइंस पर भरोसा रखना है। क्योंकि हमें टेस्ट का नहीं, मरीजों का इलाज करना है। क्योंकि हमें डरना नहीं, हमें लड़ना है। बस अब जीतना है।